सभा के सम्मानित श्रोता बंधु, मैं गायक कलाकार राम सुचित गोलू नैनी प्रयागराज से इंडियन म्यूजिक संसार के तत्वाधान में बड़े भैया सीपी विश्वकर्मा के देखरेख में और अपने सहयोगियों के सहयोग से आपके बीच में एक पौराणिक गीत लेकर इस आशा और विश्वास के साथ कि आपका प्यार और दुलार मिलेगा। चार लाइन भूमिका में कहना है। दिखाना अगर है निशानी दिखा दे, बता दे जमाने को जो असली गहना, धर्मात्मा धर्मधारी कहावे दिगावे, नमन को सदा सत्य पे रहे नाम। चक्रवेण राजा प्रजा के थे पालक, खेती पे निर्भरी थी जिनकी जिंदगानी, रानी सहित थे किसानी में राजा, नर नारी कहते धन दुई नौ परानी। विरह के प्रेमियों, आपने पुराण से वेद से इतिहास से बड़े बड़े महान राजाओं की कथा उनके प्रसंग को सुना होगा। एक ऐसा अनूठा प्रसंग आपके बीच में राजा चक्रवीण माधव की, एक ऐसे राजा जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति से अपने प्रजा को हमेशा खुशहाल रखा और उनके तरक्की के लिए काम किया। एक लाइन कव्वाली मास्टर साहब, किसी सच्चे नवाजी ने अपने परवरदिगार से तार जोड़ते हुए कहा, क्या कहा, क्या कहा, अब मजा नहीं आता, अब मजा नहीं आता दूर रह के जीने में, खुदा बुला लेना, ए खुदा बुला लेना हमको भी मदीने बाबू। ये तो कोई भक्त अपने ईश्वर से कह रहा है,
लेकिन कवि जी ने राजा चक्रवीण माधव के बारे में लिखा, राजा थे बड़े धर्मी, राजा थे बड़े धर्मी, रानी महारानी थी, कहलाते प्रजापालक, कहलाते प्रजापालक, सुख में जिंदगानी थी, राजा चक्रवीण माधव के राज्य में जितना धनवान राजा उतना ही धनवान प्रजा। वाह वाह। एक दिन की बात है, नगर में एक उत्सव पड़ा। वाह। कहानी के विस्तार में कहना पड़ा मास्टर साहब। एक दिन नगर में उत्सव बड़ा महान हुआ, एक दिन नगर में उत्सव बड़ा महान हुआ, भीड़ जुटने लगी खुशियों का सब विधान हुआ, नगर की नारियां उत्सव में सभी चलने लगी, रेशमी वस्त्र हीरे मोती से सवरने लगी, सोने चांदी चांदी चांदी, सोने चांदी के आभूषण पहन प्यारी हो, कहे रानी से आप मालकिन हमारी हो, हमसे अच्छा पहनावा आपका होना चाहिए, हमसे अच्छा पहनावा आपका होना चाहिए, कीमती वस्त्र हीरे मोती और मल चाहिए, राजरानी हो, राजरानी होकर साधारण वस्त्र पहनी हो, राजरानी होकर साधारण वस्त्र पहनी हो, जैसे गरीब की घर की कोई दुल्हन हो, ये भी अपनी कहानी पर ध्यान दें। एक दिन नगर में बड़ा ही भारी उत्सव है, नगर की सभी नारियां साजो श्रृंगार करके अपने मालकिन रानी साहब के पास आती हैं और चलने के लिए आग्रह करती हैं। रानी राजमहल से निकलती हैं, एक साधारण धोती पहनकर, न तो तन पे गहना है न तो कोई साजो श्रृंगार। रानी की इस स्थिति को देखकर नगर की नारियां कहने लगी कि मैं आपकी प्रजा हूं, हमसे अच्छा पहनावा आपका होना चाहिए, आप हमारी मालकिन हैं,
जहाँ पर आप रहें वहाँ पर ये फर्क दिखे कि आप हमारी मालकिन हैं, हम आपकी प्रजा हैं। ए बाबू, ये बात रानी के हृदय में घर कर गई और रानी उत्सव को छोड़कर मात्र इस बात की गलानी लेकर महल में रुक जाती हैं और उत्सव में नहीं जाती हैं। राजा साहब उत्सव से जब वापस आए तो कारण पूछा कि रानी आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि आप उत्सव में नहीं शामिल हुई। रानी साहब कही हैं, क्या कही हैं? एक तर्जमा साहब, तीन सहेली आपस में चर्चा कर रही हैं कि पढ़ने लिखने के बाद स्कूल के बाद शादी होगी, तुमको कैसे पति चाहिए? इच्छा है तो भैया केहू दरोगा के पसंद करत बा, केहू रोगा के, केहू गवैया के, अजों तिसरखी रहे उके का पसंद करत बा, ते बजा के भैया तिसरकी का आत्मा कि हमके धन दौलत नहीं, मनई मौजी चाहिए। का कहत बा? हो हमके सोना न चांदी के हार सखिया, हमके चाही डराइबर भतार 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 सखिया। कहावत बा कि नार न मोहे नार के रूपा, नगर की एक प्रजा है, नारी ने कह दिया कि आपका जो स्तर है मेरे स्तर से ऊंचा होना चाहिए। बात हृदय में गड़ गई रानी की, राजा से कह रहे हैं कि आप प्रजाओं की इतनी हैसियत बना दिए हैं कि आज वो हमें ठिना दें ताना दें। क्या कहती है भाव में? हो भारी भैली नगतिया हमारी सजना, मात्र आपके चलते राजा साहब हो भारी भैली जतिया, हो भारी भैली जतिया हमारी सजना, बिना गहना के मेहना बरियार सजना, राजा साहब पूछते हैं कि आखिर कौन सी बात हो गई। रानी, जहां पर प्रजा का सुख है चैन है वहीं तो अपना भी सुख चैन है। आप प्रजा को कुदृष्टि से ना आके, अगर प्रजा है तभी तो हम राजा हैं, नहीं तो हम किस बात के राजा हैं? उत्सव में आई सब गौवा के नारी,
वस्त्र आभूषण तनवा तिहारी प्रजा हो के दान हमके दिहली मार सजना बिना गहना के महना बरी यार सजना रानी अपनी ग्लानि को व्यक्त करती हैं कि यह राजन एक प्रजा की जैसे आज ही मौसम बा ऐसे मौसम है कोनो दुलही कहे जब से गईला तू भेलाई के कमाई राजा जी के कमाई राजा जी जाल जात नहीं के ओढ़ले से रजाई राजा जी लेकिन गीत सुंदर भाव राजा चक्रवेण माधव कह रहे हैं कि ऐ रानी धीरज राखा धीरज राखा दिल में ना इतना कमाई रानी जी कमाई रानी जी तोहके सोने के गहना देव बनवाई रानी जी तोहके सोने के गहना देव बनवाई राजा जी तोहके सोने के गहना देव बनवाई राजा जी तोहके सोने के गहना देव बनवाई राजा जी रानी किसान हूँ किसानी करता हूं इतनी कमाई नहीं है कि तुरंत गहने का प्रबंध कर दूं लेकिन आपसे वादा कर रहा हूं कि अपने हृदय की ग्लानी को मिटा कर बैठे समय आने पर हम आपके ग्लानी को दूर करेंगे आपकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे राजा बोले दूत से जाओ लंकावा के कोनावा राजा बोले दूत से जाओ लंकावा के कोनावा राजा बोले दूत से जाओ लंकावा के कोनावा रावण से दे परिचय मेरा कर में लाओ सोनावा शोक में समाई रानी जी दुख दूर कर शोक में समाई रानी जी
तोहके सोने के गहना देब बनवाई रानी जी, राजा चक्र में माधव रानी से आग्रह करते हैं कि ऐ रानी आप सारी बात को भूल कर सारी ग्लानि को मिटाकर चिंता मुक्त हो जाइए और अपने दूत को बुलवाते हैं और पूछते हैं कि ऐ दूत इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो धन धाम से परिपूर्ण है। वाह वाह। तब महाराजा रावण का नाम आया, अपने दूत को भेजा है कि जाओ और मेरा परिचय देकर कर में सोना लेकर आओ। ए बाबू, दूत चला है चक्रवीर माधव के यहाँ से, जाकर लंका के दरमियान पहुंचा है, राज दरबार सजी है, लंकापति रावण बैठा है सिंहासन पर, जाकर प्रणाम किया है और राजा चक्रवीर माधव का परिचय देकर अपनी बात को कहा है कि ये राजन हमें राजा चक्रवीर माधव भेजे हैं और उनकी मांग है कि आप उन्हें कर में सोना दे दें। रावण ने दूत को लज्जित करके राजमहल से बाहर करवा देता है। उसके बाद रावण रात्रि के समय राज दरबार खत्म हुई शाम की बेला में जब अपने सैन्य कक्ष की ओर जाता है और रात को मंदोदरी से मुलाकात होती है तो मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी हमने सुना है कि राजा चक्रवीर माधव का दूत आया था आपके पास एक फरियाद लेकर और हमने सुना है कि आपने इनकार कर दिया। रावण ने कहा कि मंदोदरी फालतू की बात में क्यों पड़ती हो, हम किसको कर में सोना दें। मंदोदरी ने कहा कि स्वामी आपने पहचाना नहीं। ए बाबू, सुबह हुई जैसे कि एक मंदोदरी का नियम हुआ करता था कि सुबह उठकर चिड़ियों को दाना सुवाती थी तब फिर कोई कार्य करे। रावण महाराज से कही मंदोदरी कि स्वामी थोड़ा सा आपका वक्त हम चाहते हैं। ले गई है छत के ऊपर, बहुत सारे कबूतर बैठे हैं, करती क्या है? क्या करती है? बिरताई में बयसली गहना राजा चक्रवेल की महिमा रही बताई। दाना डाल कबूतर को रानी मंदोदर बोली है। दाना डाल कबूतर को रानी मंदोदर बोली है, सौगंध धराई रावण की कुछ गुप्त बात को खोली है। ज्यों का त्यों दाना चुनते रावण के नाम का असर नहीं, कैसा प्रभाव है स्वामी को चिड़ियों को कोई खबर नहीं। ए भैया, एक मुठिया दाना लेके मंदोदरी फेंक देती है और कहती है कि महाराज तनी एक खेला देखो, सौगंध धराई है रावण की और फेंक दिया है दाना कि कसम है महाराज रावण की कोई एक भी दाना चुना तो। है बाबू, सभी पक्षी मस्त हो के चुन रहे हैं जैसे प्रतिदिन चुना करते थे, तो पूछ रही है मंदोदरी कि क्या प्रभाव है स्वामी, आपके नाम का असर चिड़ियों को भी नहीं पता है। तब रावण कह रहा है कि मंदोदरी इस धरातल पर आकाश पताल मृत्युलोक में मेरे वीरता का शौर्य मेरे वीरता का परचम लहराता है, ये चिड़िया जंतु जानवर मेरी वीरता को क्या समझेंगे। वाह वाह। तब मंदोदरी कहती है कि जिस दूत को आपने वापस किया
उसके राजा का प्रभाव देखिए। वाह। मंदोदर कहे कबूतर से चकबेल की कसम धराई है, दाना चुनना सब छोड़ दिए बस एक कबूतरी खाई है। ए भैया कहे कि असर देखे चाहत हो, ली है हाथ में दाना, अधराई है सौगंध कि तुम्हें सौगंध है राजा चक्रवेण माधव की एक भी दाना चुना तो। ए बाबू सुनने वाले बिरहा के प्रेमी बंधुओं, एक भी कबूतर अपने सर को नीचे नहीं किया, मात्र एक कबूतरी ने एक दाना चुना है। बताया गया कि वो बहरी थी, सुन नहीं पाई, बहरी होने के कारण एक दाना चुना है, उसकी खोपड़ी के चीथड़े उड़ गए। रावण भयभीत हो गया कि बाप रे पस पछुओं चिड़ियों में इतना असर है चकबेण का। दूसरे दिन की बात है, राज दरबार लगी, वही दूत जिसका अपमान करके रावण दरबार से निकाल दिया था वापस आया है और कहने लगा कि राजन हमें निराश न कीजिए, हमारे राजा साहब का अपमान न करिए, हमें कर्म सोना दे दें और हमें वतन जाने की आज्ञा दें। लेकिन बाबू रावण माना नहीं, रावण माना नहीं, पापट में कहना है। चक्रवेण का दूत कहे क्या खोना जोना दस कंधरी, चक्रवेण का दूत कहे क्या खोना जोना दस कंधरी, अकर में भर दी जय दे करके सोना सोना दस कंधरी। चारी कैला रतिया में अजब दूत हुआ तू रामण, हंस के बोला बतिया में चक्रवेण की महिमा जो होना जो ना दस कंधरी। देवता दरिते बीज जहां काम बोना जो ना दस कंधरी। ए भैया दूसरे दिन दूत आया है और कहने लगा है कि राजा हम आपको एक दिन का और मोहलत देते हैं, वाह वाह, जाइए रात में विचार कर लीजिए, उसके बाद तब आके निर्णय लीजिए और हमें कर में सोना देकर अपने वतन के लिए रवाना कीजिए। वाह वाह, अल्लाह के बाहों में कहा नाम भैया। ए बाबू रावण रात्रि में गया है अदूत से कह के गया है कि तुम परेशान न हो, तुम्हें यहां से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सुबह दरबार सजी, फिर वह दूत आया है, कहा कि राजन हमें कुछ भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा आपका वक्त चाहिए, मेरी इतनी गुहार को मान लीजिए, मैं तो एक धावन हूं, एक दास हूं अपने राजा का, वाह वाह, मुझे आप कुछ भी मत दीजिए लेकिन मेरी इस बात को मान लीजिए कि थोड़ा सा अपना वक्त हमें दें। रावण के साथ वह दूत करता क्या है अल्लाह में कहना है। वाह वाह, महाराज रावण को दूत ले आकर समुद्र के किनारे एक करामात करता है, क्या करता है, क्या? लंका के नक्शा बनावे
सागर के किनारा वाये भैया ले गया है समुद्र के किनारे अब बालू के टील से लंका का नक्शा तैयार करता है। अब महाराज रावण से कहता है कि राजन जरा गौर से देखिए क्या आपकी सोने की नगरी लंका है। लंका का चारों द्वार बना है बालू की टील से। रावण ने कहा कि बड़े अजीब कारीगर हो। हाँ है तो हमारी ही लंका। कहे बोला अब सोना देबा कि नहीं। किया क्या राजा चक्र पेड़ के तब जी हले दोहैया ये बाबू से विहल धक्का मार बालू के मुरा दिया तू रात टूट गई लिए भैया रेल बारिया के भा भी तरामण कर में दिहल सोना माए भैया आई गई न अपनी द्वार। ए बाबू लंका का नक्शा बनाया है। अब महाराज रावण के ओर इशारा करके कहता है कि देखिए आपकी लंका नगरी है। सोना देंगे कि नहीं देंगे। इनकार किया है रावण।
महाराज चक्र मेड़ माधव की दुहाई लेकर कसम लेकर धक्का मारा है पहले दरवाजा में, बालू से बना हुआ वो दरवाजा टूट जाता है और वही भाग लंका का उधर गिरता है और रावण को दिखाता है कि देखो दशानन तुम्हारे राज महल की क्या दशा हो रही है। भयभीत हो जाता है रावण, वापस आया है दूत, रानी के सामने सारी बात को रखा है तो रानी कहती है आखिरी भावा कोई ना कहे सुहागन बिन साजनी के रहे नाम, ना ही सिंधुर से सुहाना बासो ने कगाना, पति मेरे दूजा नहीं कोई, गहनों की शोभा पति से है अब पिया बिना बदगोई, वही है सैया बिन ये सारा जग आंखों से सपना, ना ही सदुरा से सुहाना बासो ने कहना, रानी को जाकर ये संतुष्टि हुई कि हमारे स्वामी का क्या असर है कि रावण जैसा महाबलशाली वीर आज अगर झुका है तो मेरे स्वामी के प्रभाव से। इस गीत का शीर्षक रहा असली गहना और रावण का भय। आखिरी में कहना गुरु घराने का परिचय है, गुर बिहारी गुरपत्तू हो वेश्वर के वासी, कथन करे कभी लिखे लालचंद बसे नगरिया का, अरे बिरताई में बायसली का नाम, गंगा राम सुचित के भावेली कविताई हो पिताई में बायसली गई।